सबसे पहले तो इसको अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लेना। ये एसक्यूएल सर्वर है और ये कनेक्ट होगा, इंटरनेट से ही चलेगा। तो यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो इस पर कनेक्ट पे क्लिक कर देना। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले नजर आएगा डेटाबेस। तो दो तरीकों से देखो, एक तो एसक्यूएल की कोडिंग के थ्रू और दूसरा यहाँ पर मैनुअल तरीका भी दिया गया है। जबकि माई एसक्यूएल में आपको जो है वर्क बेंच पर मैनुअल तरीका मिलता है, कमांड लाइन पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखिए डाटाबेस दिया गया है, यहाँ पर आएंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें बहुत सारे डेटाबेस बने बनाए आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डेटाबेस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये न्यू डेटाबेस आ जाएगा। सबसे आसान तरीका, यहाँ पर जाइए न्यू डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और जैसे ही न्यू डेटाबेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए डेटाबेस हम बना रहे हैं तो यहाँ पर अपलक APALAK, ये आप ही के नाम से डेटाबेस मैं बना देता हूँ, ठीक है। ओके किया तो ये अपलक नाम से डेटाबेस आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, बहुत आसान है। अब क्या करना है, इस डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स बनाई जा सकती हैं। ये अपलक नाम का जो डेटाबेस है इसके अंदर कई सारी टेबल्स बनेंगी, तो यहाँ पे चाहे तो न्यू क्वेरी के थ्रू आप टेबल बना लीजिए, और नहीं तो आप इसको डबल क्लिक जब करते हैं, यहाँ पे देखिए डाटाबेस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल्स भी नजर आएंगे आपको, तो टेबल्स पे जा सकते हैं। तो ये आसान वे है, आसान तरीका है, टेबल पे जाइए। यहाँ पे टेबल पे जाएंगे तो फिर ये इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके न्यू टेबल पे चले जाइए, ये नया टेबल दिख रहा है आपको, बस इसी टेबल पे चले जाइए। आपको बिल्कुल एक्सेस जैसा इंटरफेस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, देखिए ये चीज ऐसे ओपन हो गई। अब आप कॉलम का क्या नेम देना चाहते हैं, यानी यहाँ पे आपको फील्ड नेम देना है, कॉलम का नेम देना है। तो जैसे मान लीजिए आपने दे दिया रोल नंबर, और रोल अंडरस्कोर करके लिखते हैं ज्यादा सही रहता है, ठीक है, ये रोल नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डेटा टाइप आएगा, तो देखिए बहुत सारे डेटा टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बिग इंट है, बाइनरी है, बिट है, कैर है, डेट एंड टाइम है, डेट है, डेट टाइम ऑफसेट है, डेसिमल है, फ्लोट है, डेसिमल है, तमाम इस तरह के डेटा टाइप है। तो हम फिलहाल यहाँ पे लेंगे इंटीजर, तो ऐसा तो है नहीं किसी का रोल नंबर 1.5, 2.5 या 2.25, ऐसा तो होता नहीं है, तो इसीलिए इंटीजर लेते हैं। इंटीजर ले लिया, अलाउ नल लिखा हुआ है, यानी नल वैल्यू, यानी अगर इसको खाली छोड़ दिया जाए तो क्या ऐसा अलाउ करना है, नहीं खाली नहीं छोड़ना, इसे हम अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इसमें देखिएगा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आता है, हर डेटाबेस में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आएगा। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। जैसे कि बात करें, अगर किसी क्लास में जैसे मान लीजिए क्लास 12th A है, तो क्लास या फिर मान लीजिए BCA Part 1 है, तो आप जहां जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां BCA का एक ही सेक्शन है पार्ट वन का, तो उसमें 40 बच्चे हैं, तो पहले बच्चे का रोल नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, ऐसे करके 40 बच्चे के अलग अलग रोल नंबर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपका रोल नंबर 1 है तो उसी क्लास में पढ़ने वाले दूसरे भी बच्चे का रोल नंबर 1 होगा, ऐसा है क्या, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसे हमें प्राइमरी की बनाना होगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये क्या करे, डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करे। इसीलिए हम इसे प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये लिया लिखा हुआ है सेट प्राइमरी की, तो ये सेट प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए, ये प्राइमरी की बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट देते हैं, ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ, ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट जो है ये होता है फॉरेन की, ठीक है। अब यहाँ एन कैर आ रहा है, साइज क्या है इसकी 10, यानी किसी का नाम होगा तो वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का होगा, तो ये फॉरेन की हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर क्लास की बात आएगी तो यहाँ क्लास लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आए और यहाँ पे एन कैर रखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिएगा डिफॉल्ट वैल्यू आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू में मैं बीटेक है ना आपका, तो यहाँ बीटेक कर देता हूँ, बीटेक इस तरीके से लिखना होगा, बीटेक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है, ये नीचे देखिएगा ये बीटेक हो गया, हमने बीटेक दे दिया डिफॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पर जो है बीटेक ही आएगा। तो अब क्या करना है, अब इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, क्या करेंगे क्लोज करेंगे, तो क्लोज करते हुए हम इसे सेव करेंगे। तो टेबल 1 के नाम से सेव हो रहा है, मैं इसे बीटेक लिख देता हूँ, बीटेक के ही नाम से सेव कर देता हूँ, तो ये बीटेक हो गया। अब ये ऐसा दिखेगा, ये देखिए ये जो टेबल है ना, डबल क्लिक करिएगा तो यहाँ पर अभी आपको टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से रिफ्रेश करना है, क्या करना है रिफ्रेश, ये दिख रहा है तो ये रिफ्रेश करिएगा, रिफ्रेश करिएगा तो यहाँ पर टेबल आपको नजर आएगा। यहाँ पर जाइए, अब देखिए टेबल नजर आने लगा, बीटेक नाम से टेबल बनी थी, अब यहाँ पर जाइएगा तो ये इस तरीके से राइट क्लिक करके और यहाँ दिया हुआ है एडिट टॉप 200 रोज, तो इस पे चले जाइएगा, अब आपको इंटरफेस ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब ये एसक्यूएल सर्वर है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज एंटर करनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एंटर किया रोल नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर एंटर किया राम, नाम एंटर कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बीटेक था ना, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है बीटेक, इसको हमको एडिट करना होगा, एक बार चेक करते हैं यहाँ पर गलती कहाँ हुई है, ठीक है। तो इसको एडिट कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे
राइट क्लिक करेंगे और ये डिजाइन डिजाइन व्यू पे जाएंगे और डिजाइन व्यू पे जैसे जाएंगे तो ये नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट ये देखिए यहाँ पर जो है बीटेक दिया गया है लेकिन यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू बाइंडिंग दिया गया है और इसे अलाउ नल हो गया है तो इसको हटा देंगे। ये हो गया, अब इस पे जाते हैं वापस यहां से। अब यहाँ टाइप करते हैं बीटेक, हमें टाइप ही करना होगा यहाँ पे जाके ये बीटेक। अब यहाँ पे जैसे ही हम बीटेक देखिए स्मॉल में लिखे हैं ना इसीलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई थी, यहाँ देखिए दिख भी रहा है स्ट्रिंग, तो ये जो है ना हमको क्या करना है जैसे लिखे थे हम वहां पे वैसे ही लिखना है बी टी सी एच। अब देखते हैं, अब देखिए ये एक्सेप्ट कर गया, ठीक है तो ये हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे श्याम कर दीजिए और यहाँ पे फिर यही बीटेक रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके इसमें वैल्यूज इंसर्ट करी जाएंगी। तो प्राइमरी की हम लोग किसको बनाए थे, रोल नंबर को। तो क्या यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू डाली जा सकती है, चलो एक बार डाल के देखते हैं। यहाँ टू डाला फिर से हमने और यहाँ एक और स्टूडेंट का नाम डालते हैं जैसे अपलक, ठीक है। और यहाँ बीटेक रहेगा तो बीटेक कर देते हैं, बी टी ई सी एच हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ये क्या लिख रहा है, नो रो वॉज अपडेटेड। कारण क्या बता रहा है यहाँ पे, द डाटा इन रो थर्ड, रो थर्ड कौन सा है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, तो रो थर्ड में थ्री वॉज नॉट कमिटेड, मतलब थ्री वाला अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, पीके, पीके माने होता है प्राइमरी की, ठीक है, पीके पिक्चर का नाम नहीं है, पीके माने प्राइमरी की। हम देखिए पीके लिखा हुआ ना, पीके यानी प्राइमरी की, प्राइमरी की। अब कह रहा है ना द डुप्लीकेट की वैल्यू इज टू, यानी कि टू जो है डुप्लीकेट की हो रहा है, तो आप जब तक इसे हटाएंगे नहीं तब तक तीसरे में एंटर ही नहीं कर पाएंगे आप रिकॉर्ड, तो इसे तो हटाना ही पड़ेगा, यही प्राइमरी की होती है, ठीक है। जैसे हटाएंगे ये अपडेट हो जाएगा, देखिए अपडेट हो गया, ठीक है ना। तो ये है प्राइमरी की। अब यहाँ पे फोर डालेंगे तो एक्सेप्ट करेगा लेकिन थ्री डाल देंगे तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये आपका फॉरेन की है, ये जो नेम है ना और क्लास है ये फॉरेन की है। तो देखिए बीटेक आप कई बार लिख रहे हो, यहाँ पे बीटेक आ भी रहा है, ठीक है, तो ये बीटेक जो है क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये नल नहीं रख सकते, खाली नहीं छोड़ सकते आप इसे। हाँ वहां पे दिए थे अलाउ नल तो उसको हमने हटा दिया था, तो यहाँ पे अब एक और गौरव नाम दे देते हैं तो ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बीटेक लिखते हैं फिर से वापस से, तो बीटेक उसी तरीके से लिखना होगा हमको, डिफॉल्ट वैल्यू वही रहेगी आपकी, ठीक है ना। ये इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है।